मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। देखिए, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और रामलला को लेकर लोगों में इतनी आस्था है कि सिर्फ भारतवर्ष में ही रामलला नहीं पूजे जाते बल्कि विदेशों में भी पूजे जाते हैं। लोग चाहते हैं कि अयोध्या में आकर एक बार दर्शन कर ले रामलला के। पूरे भारतवर्ष के लोग चाहते हैं, भारतवर्ष के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों से लोग आना चाहते हैं, जिसकी वजह से होटल सारे बुक है और अयोध्या में इतनी भीड़ हो रही है कि जिनके ऑनलाइन टिकट से उन्हें पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। और एक सर्वे के मुताबिक की अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में डेली 5 लाख से ज्यादा लोगों की आने की संभावना है। और अगर ऐसे देखा जाए तो एक साल में 20 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। और अगर इतने लोग आएंगे तो अयोध्या में होटल की डिमांड बढ़ेगी, टैक्सी की डिमांड बढ़ेगी, ट्रेवल की डिमांड बढ़ेगी, खाने पीने का डिमांड बढ़ेगा और भी कई सारी चीजें जिनकी डिमांड बढ़ेंगी। ये वीडियो उन चचा के लिए है जो कह रहे थे मंदिर बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल बनवा देते, कॉलेज बनवा देते, स्कूल बनवा देते, देश का भविष्य सुधरता, मंदिर बनाने से क्या होगा, बच्चा सब पढ़ लिख के IPS IAS बनता, हॉस्पिटल बनता तो लोगों का इलाज होता। तो चचा सुनो, आप ज्ञान के अंधे मत बनो। आप बाबू भैया तुम ठीक हो? साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा तो। मैं आपको बताता हूँ, तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 5 लाख लोग डेली आएंगे और ये आंकड़ा 10 लाख भी पहुंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर 5 लाख के हिसाब से अनुमान लगाए तो एक साल में 20 करोड़ लोग आएंगे। अगर एक आदमी भी आकर अयोध्या में 10,000 रुपए खर्च करता है खाने पीने से लेके हर चीज तक, तो अगर ऐसे हम एस्टिमेट लगाए तो कम से कम जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से आंकड़े लगाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से 1 लाख करोड़ हर साल की कमाई होगी, जो कि कई देशों की GDP से कई ज्यादा होगी। और मंदिर के बनने से वहां के हर लोगों के जीवन में सुधार होगा, किसान हो चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में सुधार होगा। जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उससे इतनी इम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, इतनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी जितनी बड़ी और कई सारी कंपनियां मिलकर इम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकती। और ये मंदिर से अयोध्या का पूरा इतिहास बदलने वाला है, उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है, रिलीजियस टूरिज्म का, पूरे इंडिया का रिलीजियस टूरिज्म का बिल्कुल इतिहास बदलने वाला है, बहुत ही फायदा होने वाला है। और अगर आप आंकड़े देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे, होश खो बैठोगे आप आंकड़े देख के। अब उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कह रहे थे कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, राम मंदिर बनवाने से क्या होगा, मंदिर बनवा के हम क्या कर लेंगे। अब उनको मैं आंकड़े बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, राम मंदिर के बनने से जितना अयोध्या वासियों ने एक साल में नहीं कमाया होगा जितने पैसे, उतने वो 2-3 महीने में आने वाले में कमा लेने वाले, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है, इतनी इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इतनी चीजें वहाँ पे नीड होगी इतनी चीजों की, जिससे अयोध्या वासियों की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर हम NSSO की यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की अगर आंकड़े माने तो 3.2 लाख करोड़ है हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था यानी रिलीजियस टूरिज्म की अर्थव्यवस्था, जो कि GDP का हिस्सा 2.32% है। आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर हम कुछ बड़े बड़े मंदिरों की कमाई की बात करें, टर्नओवर की बात करें, तो तिरुपति बालाजी महाराज की सालाना की कमाई 3,000 करोड़ है, शिरडी मंदिर की 500 करोड़ है, कावड़ यात्रा की सिर्फ 250 करोड़ है पर ईयर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस आंकड़ों का। जो आखिरी के 5 सालों में सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करी जिसने, वो है अयोध्या मंदिर। और यही कारण है कि सब लोग दुनिया भर से, देश भर से, फॉरेन से लोग आना चाहते हैं अयोध्या मंदिर में रामलला के दर्शन करने, एक बार अयोध्या मंदिर जरूर आना चाहते हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 5 करोड़ लोग हर साल आएंगे और ये आंकड़े 10 करोड़ भी पहुंच सकते हैं या उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। और अगर इससे कमाई की बात करें तो हमारी कमाई लगभग 20-30 हजार करोड़ होगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना इम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा राम मंदिर अयोध्या में। राम मंदिर के बनने से अयोध्या में हर इंडस्ट्री को फायदा हुआ, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, एयरलाइंस हो, हॉस्पिटैलिटी हो, FMCG हो, या ट्रेवल हो, या चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको एक बम्पर फायदा हुआ है। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद से वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन के रेट्स थे, वो 4-20% बढ़ गए। और आपको बता दें वहाँ पे ताज ग्रुप ने 2 5-स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया और भी कई सारी होटल की कंपनियां वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाली, अपने 5-स्टार होटल बनाना चाहती है वहाँ पे। अब जो पूछ रहे थे इससे होगा क्या, तो मैं बताता हूँ इम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगी। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, अगर आप वहाँ पे 20 कमरों वाला 2-स्टार होटल भी स्टार्ट करते हो तो लगभग उसमें मैनेजर, शेफ और भी स्टाफ से लेके कम से कम 40-50 लोग चाहिए होते हैं आपको मैनेजमेंट के लिए। और मान लेते हैं कि आप सिर्फ मैनेजर और शेफ को बाहर से बुला लेते हो या आप और भी 3-4 लोगों को बाहर से बुला लेते हो, लेकिन और लोगों को तो आपको लोकल्स में से ही रखना पड़ेगा, जो वहाँ के लोकल होंगे उन्हीं को आप इम्प्लॉयमेंट दोगे, इससे इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे वहाँ पे। यानी एक होटल में अगर 40 लोग काम कर रहे हैं तो 40 लोगों की फैमिलीज का पेट पाल रहे हो आप, उन्हें खाना दे रहे हो एक तरह से। और ऐसे ही 500 से ज्यादा होटल खोलने की वहाँ बात चली
बदल लिए, जिससे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कितना मुनाफा होगा आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो। और सरकार ने होम स्टे योजना भी चालू करी है, जिससे कई सारे अयोध्या वासियों को फायदा भी हुआ है। जो लोग अयोध्या छोड़ के कहीं और शहर में कमाने चले गए थे या कहीं और कुछ करने चले गए थे, वो लोग वापस अयोध्या आ गए हैं। इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देख के, इतनी डेवलपमेंट को देख के। अभी मैं तो सिर्फ आपको होटल इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, अगर सारे वे इंडस्ट्री की बात बताने लग गया तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, पूछो मत आप। अब जो लोग आएंगे तो वो तो ट्रेवल भी करेंगे एक जगह दूसरी जगह पर, खाना पीना खाएंगे, मिठाई की दुकानों पर जाएंगे, दिए खरीदेंगे, अगरबत्ती खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे। तो आप सोचो कितने लोगों को फायदा होगा, कितने कारोबारियों का फायदा होगा, कितने व्यापारियों का फायदा होगा। और मंदिर बनने से सिर्फ अयोध्या वासियों को ही फायदा नहीं होगा, गोंडा से बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, सारे जो आसपास के एरियाज है सबको ही फायदा होगा। क्योंकि अयोध्या अकेले डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी, जो भी वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी फलों की, वेजिटेबल्स की, मिल्क की या और भी कई सारी चीजें जिनकी डिमांड क्रिएट होगी, अकेले वो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा डिमांड को, जिससे सीधा सीधा किसानों को फायदा होगा। और जो अयोध्या में डिमांड क्रिएट होगी उसको फुलफिल करने के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, इन सबको साथ देना पड़ेगा, और ये सब मिलके ही अयोध्या की जो डिमांड होगी उसे फुलफिल कर पाएंगे। और जो कुछ भाई है हमारे, वो लोग मंदिर को हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मंदिर बनने से सिर्फ एक ही समुदाय का फायदा होगा, एक ही कम्युनिटी का फायदा होगा। तो मैं उनके लिए बता दूं, जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, अगर उन्होंने होटल खोला है तो क्या वहां पे आके लोग नहीं रहेंगे, उनकी होटल बुक नहीं कराएंगे? या अगर उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, खाने पीने का कुछ खोला है, तो वहां पे लोग खाना नहीं खाएंगे? अगर वो टैक्सी चलाते हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री में उनको फायदा नहीं होगा, उनके लोग टैक्सी में नहीं बैठेंगे, उनके टैक्सी से लोग कहीं नहीं जाएंगे? अगर अयोध्या में उनकी जमीन है तो उनके प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ेंगे, उनकी जमीन के रेट नहीं बढ़ेंगे? तो आप ज्ञान के अंधे मत बनो, थोड़ा समझो, सोचो चीजों को, समझने की कोशिश करो। और अयोध्या राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पे नया बस अड्डा बना है 49 करोड़ लगा के, कुछ दूरी पे उसके रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन कराया गया है 250 करोड़ लगा के, 1450 करोड़ लगा के नया एयरपोर्ट बनवाया गया, फेज 1 का काम वहाँ पे डन हो चुका है। और फेज 1 के काम होने के बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोग आ सकेंगे वहाँ पे। और कई सारी एयरलाइंस कंपनियां ने तो डायरेक्ट फ्लाइट भी अपनी चालू करने की बात कही है कि हम अयोध्या में सीधा डायरेक्ट फ्लाइट चालू करेंगे। और IRCTC ने तो टूर पैकेज भी अनाउंस कर दिया अयोध्या के लिए। और इसके बाद से विदेशों से लोग पागल हो चुके आने के लिए, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम एक बार रामलला के दर्शन कर ले, जो श्रद्धालु हमारे विदेशों में रहते हैं। और इस पर कंपनीज का कहना है कि हम जो बुकिंग्स आ रही है उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, इतनी ज्यादा बुकिंग्स आ रही है कि। और अभी तो राम मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स बनना बाकी है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है 2025 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जब तक राम मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, जब तक कई सारी चीजें वहाँ डेवलप हो जाएंगी, कई सड़कें बन रही हैं वहाँ पे, कई सारे होटल्स बन के तैयार हो जाएंगे, कई सारे रेस्टोरेंट्स बन के तैयार हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है ये सिर्फ आप देखते जाओ। और जो चचा कहते थे हॉस्पिटल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना, उनको बता देना कि क्या क्या हो रहा है डेवलपमेंट राम मंदिर के बनने से। और चचा आपके लिए मेरी तरफ से मैसेज है, संदेश है आपके लिए, कि समझने की कोशिश करो कि राम मंदिर के बनने से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। सिर्फ ये मत कहो कि यहाँ राम मंदिर से क्या हो जाएगा, अगर हॉस्पिटल कॉलेज बनता वहाँ पे तो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाती, इतना डेवलपमेंट हो पाता, आप ही सोचो। इसलिए आप चीजों को समझो, अगर आपका वहाँ कोई होटल होता तो आपका होटल नहीं चलता क्या? आपको भी मुनाफा होता। अगर आपकी कोई जमीन है चचा ना अयोध्या में, तो होटल बनवा लो वहाँ पे, आपको भी बहुत मुनाफा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो, चीजों को समझो।